चैम्बूर कॉलोनी, यही गुरुद्वारा था। अब मेरे पास आपके दर्शन हुए हैं। अरे नहीं नहीं, वेज कुलचे वाला मतलब चैम्बूर का फेमस। हम लोग को लोकेशन मिल गई गावठन वड़ा पाव में, तो फिर से हमारी दाल पकवान आ गई है। कैसे हैं दोस्तों आप सब, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल खान ब्लॉगर में। तो काफ़ी दिनों बाद ऑलमोस्ट ये सबसे बड़ा ब्रेक होगा मेरा आप लोग से, जो बीच में बिजी हो गया था, सिस्टर की वेडिंग थी जैसे कि काफ़ी मेरे दोस्तों को पता ही होगा। तो आज हमारे साथ है शाकिर। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, आदाब आदाब। तो अभी हम लोग निकले हैं, कहाँ जाने के लिए ये हम लोग को एग्जैक्टली नहीं पता है, मतलब कन्फ्यूज है दो जगह में। तो हम ये वहाँ जाके कंफर्म करेंगे कि हम लोग कहाँ हैं। अभी फ़िलहाल हम लोग थाने के पास ही हैं और सोचो यहीं से शुरुआत कर ले ब्लॉग की। आप लोग से उम्मीद ये करता हूँ मैं कि आप लोग बने रहेंगे वीडियो और जाने वहाँ पे जो भी प्रोसेस बताएंगे ये सब पूरे प्रोसेस में आप लोग हमारे साथ रहिएगा। बिल्कुल सही बात है कि नहीं? हाँ, जगह से हिलो मत, जगह से हम लोग जाके आते। ये पिक्चर 12 से 13 मिनट की होती है, ज़्यादा बड़ी नहीं होती है। तो चलिए दोस्तों, आप थोड़ा रोड का व्यू देखिए, तब तक हम लोग मिलते हैं आपको लोकेशन पे डायरेक्ट, और बने रहिए वीडियो में। इसी खुशी में फुल कर दो शाकिर, पेट्रोल 6 रुपया कम हुआ है शेयर मार्केट से, वो लेने से अच्छा हो रहा पेट्रोल। हम लोग पहुंच चुके हैं कैंप में, चैम्बूर कैंप। हमारे साथ शाकिर जैसे कि हम लोग आ गए, और मेरा स्कूल, मैंने आप लोग से पहले वादा किया था एक बार जब चैम्बूर का व्लॉग बनाया था कि मैं नेक्स्ट टाइम जब आऊँगा तो ज़रूर अपना स्कूल बताऊँगा, बचपन की यादें बताऊँगा। एक्चुअली सब कुछ बदल चुका है, मैं पढ़ता था यहाँ पे, तो अभी मैं जो स्कूल देख रहा हूँ वो स्कूल यहाँ पे रहा नहीं, वो बंद हो गया है। गुरुद्वारा था वो है, उसके अंदर ही हमको एक अंकल मिले पंजाबी, उन्होंने बताया कि अंदर शिफ्ट हो गया है। तो मैं आपको अभी बैक कैमरे से दिखाता हूँ हमारा जो स्कूल था, और अगर मौका मिला तो अभी जो है गुरु नानक अंदर स्कूल वो भी बताएंगे और गुरुद्वारा भी बताएंगे। तो यही है दोस्तों, छोटा सा स्कूल था हमारा, अभी भी वैसा ही है, आगे का कलर वगैरह चेंज है, लेकिन अब बताया जा रहा है कि ये म्यूनसिपालिटी की वजह से लॉक लगा दिया था, तो ये अब ये बंद है। तो यहीं हम पढ़ते थे, 4th तक मैं यहीं पढ़ा हूँ दोस्तों, आप लोग से शेयर कर रहा हूँ, और बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। और ये देखिए, ये सामने गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा चैम्बूर कॉलोनी। अब बताया जा रहा है गुरुद्वारे के साथ साथ स्कूल भी अंदर शिफ्ट हो गया है, तो हम लोग देखेंगे अगर अंदर जाने के वीडियो बनाने का मौका मिला तो आपको बता देंगे, है ना शाकिर? मैं तो रेडी करके बैठा हूं, तो ये तो अंदर जाने के लिए रेडी है बिल्कुल। तो चलिए मिलते हैं प्रधान जी से, उनसे बात करके आप लोग को दोस्तों आगे बताते हैं, बने रहिएगा दोस्तों, सिर्फ खाने का भी बताएंगे आपको। तो ये अंकल ने हमको परमिशन दे दी वीडियो बनाने की हमारे चैनल के लिए। तो ये देखिए दोस्तों, हम लोग गुरुद्वारे के अंदर है फिलहाल, शाकिर भी है हमारे साथ, और हमको बोला कि कोई टेंशन नहीं, कोई पाबंदी नहीं है। स्कूल का अंकल यही यही स्कूल है, अभी पीछे भी वो वाला बंद क्यों कर दिया फिर अंकल? अच्छा, तो मतलब चालू होगा वो वापस से, मेन तो वही है ना, मेन वही। तो ये देखिए, ये हमको मिले और अभी चाय पी रहे हम लोग, यहाँ पे चाय पिलाई है हमारे अंकल ने। आपका नाम अंकल? जरनैल सिंह। जरनैल सिंह, आप यहाँ पे मतलब कब से कैसे, कब से आप? मैं 4 साल हो गए यहीं से, कमेटी में हूँ। जी जी जी, कमेटी में। ये अपना गुरुद्वारा श्री सिंह सभा चैम्बूर, चैम्बूर से बात कर रहा हूँ जी। तो आए हैं हमारे पास, आपके दर्शन हुए हैं? अरे नहीं नहीं, बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलकर। हम लोग भी आते रहो, दर्शन देते रहो अपने, हमारे लिए इतना ही बहुत। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत खुशी हुई, सच में बात करके बहुत खुशी हुई, अच्छी फीलिंग आई, खुशी हुई है। और यहाँ हमारे शाकिर भाई चाय की चाय पीते हुए, मैं भी पी लेता हूँ दोस्तों, आप लोग से मिलते हैं थोड़ी देर बाद। लोग गुरुद्वारे से निकल रहे हैं, स्कूल वगैरह आप लोग को सब बताया, अब होगा असली मज़ा, वो है खाना। यहाँ का बहुत अच्छा वेज होता है, तो चलिए एक एक करके ट्राई करेंगे क्या है, या तो फिर एक ही पेट भर के खा लेंगे, क्यों शाकिर? मेरे को तो वो खाना है, पिछली बार जो खाया था। मजा आया कि नहीं यहाँ पे? लेकिन बहुत नहीं, अच्छा मजा आया।
चलिए दोस्तों, अब अगर RCF का कुछ खुला हुआ गेट वगैरह वो भी आपको दिखाते हैं, फिर डायरेक्ट बाहर कैंप के पास चलते हैं। बने रहिए ये सब प्रोसेस में आप लोग, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो शाकिर दबा दो यार, ऐसा अंगूठे का कमा नहीं है, दिन के बाद आए दबा दो भाई। हाँ चलिए, ट्रैफिक हो रहा है, चलते मिलते आगे। तो मेरे दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, ये है वो बसंत थिएटर जहाँ पे हम लोग बचपन में ज़्यादातर मूवी यहीं पे देखते थे। अब तो ये मूवी टाइम क्यूबिक हो गया है नाम, पहले बसंत हॉल बहुत ही छोटा था, सिंगल स्क्रीन थी और मज़ा आता था यहाँ पे पिक्चर देखने। तो चलिए अब दोस्तों, ये देखिए ये RCF का गेट है और ये जो आपको गली दिख रही है दोस्तों, ये है कामावाड़ी की गली जहाँ हम लोग रहते थे। मैं आप लोगों को ऊपर से बताऊंगा, अभी आगे से एक रास्ता डायरेक्ट जाता है वहाँ पे। तो बहुत चेंज हो गया है भाई, यहाँ पे सब कुछ चेंज है। तो अभी हम लोग पहुँचे हैं कामावाड़ी के पास, जहाँ पे हम लोग आते थे मस्जिद में। और ये देखिए हमारे बैक साइड में यही मस्जिद है, वो यहाँ पे मैं पढ़ने आता था मदरसा। और ये रास्ता एकदम ही चेंज हो गया है, शाकिर को तो कुछ समझ रहा नहीं होगा क्योंकि शाकिर तो कभी आया ही नहीं, फर्स्ट टाइम आ रहा है ये रूट पे। लेकिन मुझे सब कुछ क्लियर हो रहा है, लेकिन ब्रिज वगैरह ये जो देख रहे हैं ये सब पहले नहीं था कुछ भी। मैं भी काफ़ी भूल भूल के आ रहा हूँ, पता कर करके पहुँच रहा हूँ यहाँ पे। तो अब यहाँ से आगे से यूटर्न लेके उससे वापस जाना पड़ेगा शाकिर अपने को, क्योंकि अभी हम लोग को चैम्बूर घर देखने में ऐसा मगन हो गए क्या अपनी एक बस को मोनोरेल बोल रहे। अरे हाँ, तक ऊपर ब्रिज पर चढ़े पे ये मोनोरेल चल रही है यहाँ पे, तो काफ़ी मस्त मज़ा आ गया, पुरानी यादें ताज़ा हो गई, उसमें खो गया हमें। मस्जिद भी मिल गई, स्कूल भी मिल गया, गुरुद्वारा भी मिल गया, और चैम्बूर कैंप में तो हम लोग जाएंगे ही खाना खाने दोस्तों। तो चलिए अब डायरेक्ट चैम्बूर कैंप चलते हैं, अब सब कुछ हो गया। क्यों शाकिर? भूख भी लगी है। और ये काफ़ी बड़ा मास्क नहीं लगाया तुमने, इतना लंबा मास्क नो स्पीच लग रहा है वो भूखे का। चलो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अब कैंप में हम लोग, है ना। चलिए लोग ने ले लिया है स्पेशल वेज कुलची वाला, मतलब चैम्बूर का फेमस, गणपति मंदिर के अपोजिट में साईनाथ ढाबा अमृतसरी कुलचे। ये पनीर वाला पनीर दिख रहा है, ये पनीर चीज है और नीचे वाला आलू कुलचा है। आलू कुलचे का रेट है 60 रुपीज और पनीर वाले का है 90 रुपीज पनीर चीज। हाँ शाकिर देखेगा ना, फेमस है तो शाकिर क्या बोल। हाँ ऐसा पहली बार वेज धोनी अंदाज में बड़ा बना रहे थे भाई हमारे, टेस्ट करेंगे। शाकिर ने तो बोला पहली बार खाया, कुछ बात ही अलग है भाई, बात ही अलग है भाई। चैम्बूर कैंप में आओ, गणपति मंदिर के अपोजिट साईनाथ अमृत दिखा दे। अब एक आलू वाला दिखाता हूँ, आलू वाला, और बहुत वैरायटी के हैं इधर। हाँ देखता हूँ आपको मैं बताता हूँ मेनू का भी। आलू, आलू चीज़, फिर पनीर, पनीर चीज़, फिर डबल ऑनियन, डबल ऑनियन तंदूर में एकदम फ्रेश बन रहा है गरम गरम। तो पहले गर्दी बहुत है ना, तो ये आलू वाला है। मिक्स करके बात करते हैं। यही है दोस्तों साईनाथ ढाबा अमृतसरी कुलचे, छोटी सी शॉप में कमाल का टेस्ट, क्या बोलते हो शाकिर? मेनू कार्ड दिखा ना, मेनू कार्ड किधर है उनका? ये मिक्स वाला है, मिक्स वाला है। और शाकिर ने पार्सल भी ले लिया है, चलो खाते हैं। मजा आ गया खाके भाई, दिल कर रहा है रोज रोज आओ खाने, देख सकते हो गाइस आओ। चैम्बूर कॉलोनी नियर बाय गोल्फ क्लब अपोजिट गणपति मंदिर साईनाथ ढाबा अमृतसरी कुलचे, खाओगे खाते जाओगे। ये देखो क्या है, क्या कांदा कुलचा बड़ा यूनिक तरीके से बनता है तंदूर में स्टफिंग होके, डीप फ्राई वाला नहीं है। तो शाकिर हमारे पार्सल लेके जाते हुए, और सर्टिफाइड है 27 इयर्स से है, बराबर भाई 27 इयर्स, 4 मंथ चालू है, और टेस्ट लाजवाब है,
जरूर आए, रिकमेंड है। देखिए आरके स्टूडियो के पहले के लोग यहाँ पे ऑर्डर देते थे यहीं से, और इनके डैडी ने शुरुआत करी थी। और सर्टिफाइड साईनाथ कुलचा। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग का हो गया था कुलचा, मजा आया साईनाथ का, अब हम लोग खाएंगे। अरे वो दाल पकवान, दाल पकवान तो उसने तो भाई डरा दिया, बोला सुबह का है करके, सुबह ही मिलेगा। नहीं नहीं, इधर सब मिलेगा, पेटी समोसा सब कुछ है। चलिए दोस्तों एक बार फिर आपको दाल पकवान की झलक। आलू कुलचे ये सब टेस्ट कर लेते हैं, चलो टेस्ट करेंगे। दाल पकवान जरूरी है भाई ये भी। तो फिर से हमारी दाल पकवान आ गई है, और इस बार टेस्ट करेंगे शाकिर, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया है, आप फर्स्ट टाइम खा रहे हो ना, तो फर्स्ट रिएक्शन पता चलना चाहिए ना। ये है असल में सुबह का आइटम, ये दाल है हाफ, और ये छोले, और वाह अचार है, अचार भी है, अचार है, ये अचार है, ये दाल है, छोले। कैसा लगा? हैवी है, हैवी। ये पूरा घी में बनता है, ये पूरा घी में बनता है भाई आटा। नहीं दूंगा भाई, हमारे भाई को नहीं दूंगा, अकेला। ये काम भाग रहे लेके भाई, नहीं भाई अकेला कौन। तो ये हमारी पुरानी जगह पे जहाँ पे हमने खाया था, तो हमारे दोस्त ने तो रिव्यू बता दिया, हमने पहले बता चुके हैं। तो ये ऑसम चीज है यहाँ पे, ये मस्ट ट्राई, हमने सेकंड टाइम ट्राई किया कुलचे के बाद। चलिए मिलते हैं फिनिश के बाद। हम लोग को लोकेशन मिल गई, गावठन वड़ा पाव में आ गए हम लोग, और देखिए वड़ा पाव, और शाकिर ने ले लिया एक टेस्ट करने के लिए। हम लोग आधा आधा खा पाएंगे, क्यों शाकिर? 15 रुपीज का है, टेस्ट में देखते हैं। तभी इसका नाम गावठन है, जब गाँव की मसालों में है। दोस्तों आज हम लोग ने कवर किया है कुलचा, दाल पकवान और गावठन वड़ा पाव। तो अभी हम लोग जा रहे हैं स्वीट की तरफ, झामा, क्यों शाकिर? अब देखेंगे वहाँ से कुछ खाना पीना होगा या पार्सल भी होगा। मिलते हैं आपको डायरेक्ट झामा में। और आज फिर चेंबूर का व्लॉग ऐसा लग रहा है अधूरा सा रह गया है, फिर एक बार आना ही पड़ेगा मुझे। फिर से एक बार हमको आने का मौका मिला है झामा में, तो क्यों ना हम झामा चले, क्योंकि शाकिर भाई हमारे नहीं देखे थे, और आप लोग भी शायद अगर मिस कर दिए व्लॉग पहले वाला, तो आप लोग भी देख लेंगे। क्यों शाकिर चले झामा? पहले कभी खाए हो यहाँ का? तो चलो खाओ। झामा स्पेशल गुलाब जामुन गरम गरम टेस्ट करते हैं। हाँ पहले कभी नहीं खाया ना, इसलिए ये रिव्यू करेंगे आज। अबे स्पेशल है झामा, स्पेशल भाई मेरे। हाँ टेस्ट कैसा है? अच्छा है ना। और कुछ ट्राई करेंगे यहाँ पे? कुल्फी, हाँ कुल्फी एक ले लेंगे, आधी आधी खा लेंगे। तो दोस्तों अभी एक बार फिर थर्ड पार्ट भी होगा चेंबूर का, क्योंकि आज शाकिर को थोड़ा इम्पोर्टेंट काम याद आ गया है, देख सकते हैं शाकिर। और ये झामा से थोड़ा पार्सल भी ले लिया है शाकिर ने अपने लिए। मुझे गाजर का हलवा मिला नहीं, तो मैं इस बार पार्सल लेके नहीं जा रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम आएंगे तो गाजर का हलवा। और शाकिर के वजह से हम लोग का एक चीज़ रह गया, फालूदा झामा का, दूसरा क्या? गाजर का हलवा और कुल्फी। हाँ दो चीज़ रह गया, तो फिर से एक बार चेंबूर को वादा करते हैं हम लोग फिर आएंगे इंशाल्लाह। क्यों शाकिर? बाकी सब तो ओवरऑल मज़ा आया। चलिए टेक केयर दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, अल्लाह हाफिज़ दोस्तों। क्लोज़।